बिरयानी खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन रोज़ रोज़ घर पे कौन बनाए और रेस्टोरेंट से रोज़ ऑर्डर करेंगे तो भी अनहेल्दी होता है। तो गाइस, आज मैं बहुत इजी एंड क्विक तरीके से और बहुत लेस इंग्रेडिएंट के साथ आपको एग बिरयानी की रेसिपी बोलने जा रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो होने वाला है एक रेसिपी वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैंने एग और आलू को कुकर पे थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लूँगी। उसके बाद कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे पुदीना पत्ती और प्याज को मैंने बहुत हल्के से थोड़ा सा कट कर लिया है, थोड़ा लंबे शेप में कट कर लिया। फिर मैंने लिया यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। तो बहुत लेस इंग्रेडिएंट है, ज़्यादा नहीं है। आई होप ये सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, मेरा एग और आलू भी एकदम बॉयल होके आ गया है। यहाँ पे बासमती चावल का यूज़ किया है, आप चाहिए तो नॉर्मल चावल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए, आप खड़ा गरम मसाला जो है दालचीनी और इलायची को थोड़ा सा कूट के फिर कुकर पे डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया। और ये देखिए, पूरा एकदम सिंपल जो बिरयानी मसाला आता है उसको मैंने मिक्सिंग जार में पूरा एकदम थोड़ा सा पेस्ट कर लिया। अभी मैं बनाऊँगी बेरेस्ता, जो कि बड़े बड़े प्याज को लंबे साइज में काट के फिर बॉयल पे अच्छे से इनको फ्राई करना है, एकदम मतलब डार्क करके फ्राई करना है इसको। और ये हो जाएगा बेरेस्ता। और ये देखिए, मेरा मतलब मसाला भी एकदम कूट के रेडी हो गया और मेरा बेरेस्ता भी एकदम मतलब रेडी हो गया। आपको इसको मतलब एकदम डार्क करके फ्राई करना है। और अभी मैं यहाँ पे एग को अच्छे से एकदम फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक यूज़ किया है मैंने। और ये आलू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और एग का कलर ना पूरा एकदम गोल्डन, मतलब सोने का जो एग होता है ऐसा ही लग रहा है ना, बहुत प्यारा कलर आया है। और यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा मतलब हरी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया का जो मतलब पूरा रो धनिया होता है उसको मैंने यूज़ कर लिया है। अभी थोड़ा सा लहसुन मैं यहाँ पे डाल दूँगी और लहसुन के डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद आप देख पाए, सुंदर सा एक कलर आया है। अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा प्याज, जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज है रखा था, आपको दिखाया था, उसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे ज़ीरा, धनिया, नमक और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली का एक पेस्ट बनाया है। और ये पेस्ट मैं अभी प्याज में ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, मेरा मसाला एकदम भून के रेडी हो गया है। अभी मैं इस पे ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ आलू और एग। और इसको एक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं हिलाऊँगी और थोड़ा सा और मसालों के साथ इनको मिक्स कर लूँगी। गाइस, अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिए, बिकॉज आलू और एग ऑलरेडी बॉयल है, तो ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो पूरा एकदम ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा ही पानी यूज़ कीजिए, फिर उसको अच्छे से बॉयल कीजिए। और बॉयल करने के बाद उसको मतलब आप थोड़ा सा उठा लीजिए, एग वगैरह और आलू वगैरह थोड़ा सा उठा के, थोड़ा सा मसाला रख के फिर उस पर थोड़ा सा बासमती राइस को अच्छे से फैला दीजिए। फैलाने के बाद उस पर ऐड करेंगे बेरेस्ता, जो प्याज हमने एकदम गोल्डन करके फ्राई करके रखा था उसको हम ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे पुदीना पत्ता और उस पर थोड़ा सा मतलब कड़ी जो है, एग का कड़ी बनाया था हमने, वो ऐड कर दूंगी। उसके ऊपर फिर से हम राइस यूज़ करेंगे, फिर से बेरेस्ता, फिर पुदीना की पत्ती और फिर हम फिर से एग वगैरह, ऐसे करके दो लेयर ऐसे डाल दूँगी।
और उसको दम पे पूरा एकदम चारों ओर बंद करके गैस को पूरा कम आंच पे रख के दम पे कुछ देर उसको रखूँगी। उसके बाद आप देखेंगे कितना सुंदर स्मेल आया है। और इस पे ना आप थोड़ा सा केसर और दूध मिला के इस पे डाल सकते हैं, बहुत सुंदर कलर आता है और सुंदर भी लगता है। उसके बाद हल्के हल्के से उसको मिलाना है, ज़्यादा मत मिलाइए नहीं तो चावल एकदम टूट जाएगा। तो अच्छे से हल्का सा उसको मिला लीजिए और लीजिए, बन गया मेरा एग भी। यानी बहुत इजी और क्विक तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत कम मसाले वगैरह यूज़ किया है मैंने। अगर बिरयानी तो सबको पसंद है खाना, लेकिन बाहर में जो मसालेदार बिरयानी मिलता है वो उससे मतलब हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। तो आप ये बिरयानी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। संडे के दिन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी एंड क्विक तरीके से बनता है ये। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।